उमेर खान वो भाई, एक मिनट, अगर मोहम्मद साहब झूठे साबित हो गए तो भी नहीं छोड़ोगे, झूठे नबी को फिर भी फॉलो करोगे? वो आपके मतलब सोच के एतबार से होंगे, लेकिन असल क्या है इसको आप जानते हैं? नहीं, अगर आप उसका, सुनो मेरी अगर बात आप सुनो, उलमा के पास जाएंगे, आप उलमा के पास एक जाएंगे तो वो मिनट कुछ और उमेर बताएंगे। खान भाई, उमेर खान भाई, एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो, हाँ अगर वो बताइए। साबित नहीं कर पाया तो आपको छोड़ना नहीं है, मोहम्मद साहब तो झूठे साबित नहीं होंगे, लेकिन अगर साबित कर दे तो भी झूठे नबी को मानोगे क्या? तो कौन डिसाइड करेगा साबित हुआ कि नहीं? आप कुछ बता देंगे मुझे, अगर नहीं आता होगा लेक ऑफ मतलब क्या कहेंगे एविडेंस के बेस पे, तो मैं आंख बंद करके मैं यकीन कर लूं इसके? ये तो कोई कहीं की अकल वाली बात नहीं तहकीक हुई। कर लेना, अरे उस पे हाँ तहकीक कर तहकीक लेना। तहकीक होगी, तहकीक तो हाँ होगी। ठीक है, तो ऐसा बोलो ना, मैं तहकीक करूंगा। सीधा आप ब्लैंक जवाब दे देते हो, ईमान वाली चीज लेके आ जाते हो, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, उस पे तहकीक कर लेना। आपकी तहकीक के बाद अगर साबित हो जाए कि हाँ वाकई में झूठे थे मोहम्मद साहब, तो फिर तो छोड़ना पड़ेगा ना, झूठे नबी को कौन मानेगा? चलिए हाँ बताइए। कि पहली तो बात तो हाँ ये कि ठीक, आप मैडम मतलब कंटिन्यू करिए। ये अलग जा रहा है, ये मैं आप अलग जा रहा हूँ, उन्होंने ओके कहा नहीं, था अलग जा कि रहे हैं, छोड़ दे इस बात को सर, सूरज जिन दिखा रहे, मैं जिन, स्क्रीन दिखा रहा हूँ, हाँ ठीक है ओके सूरज जिन देखते हैं। नहीं ये सूरज जिन नहीं है, सॉरी ये रॉन्ग सूरज, एक सेकंड। ये तो है कि मोहम्मद साहब के पास कोई मिरेकल नहीं था, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि ये तो ये जो कलाम है ये इसने खुद कर लिया। लोग यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वाजह मिरेकल है, दुनिया वहां पे बैठी हुई ये कह रही है कि ये तो मोहम्मद ने खुद कर लिया, ये तो शायर शुर है। ठीक है, हाँ, मैं तो नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। इसी के मुकाबले में और कहा गया कि ले आओ, चुड़ी तल्ले अगर साल है गल ना, लिया है तो तुम भी और तो चुड़ी अरबी हो, चल्ले साल है तुम भी तो ना, अरबी हो। तो इसे हाँ, जो चाहिए। आप मुसलमा कज़्जाब की बात कर रहे हैं, अलफील वल फील बता रहे हैं, हाथी तुमको क्या पता हाथी क्या है, उमर ये जाहिराना वाला उमर कलाम। उमर उमर चुड़ी थल्ले साल है, चुड़ी थल्ले साल है, चुड़ी थल्ले साल है, तो इसे चाहिए कि वो लाए हमारे पास कोई मौजजे जैसा, जैसे पहले रसूलों पे भेजा गया था। अच्छा, अब कुरान इस चीज की वाजे गवाही दे रहा है कि मोहम्मद साहब को लोग कह रहे हैं कि पहले रसूलों की तरह का कोई मौजजा लेके आओ। क्या पहले रसूलों के पास अल्लाह ने अपना कलाम भेजा था? मैं अल्लाह उसकी भी ताला आयतें ने दिखा उनको दूंगा, झूठ मत सहीफे बोलना। सहीफे दिए थे, दिए थे वो सहीफे दिए जो थे हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से वही के तौर पर नाजिल हुए थे, अल्लाह ताला के कलाम था। अल्लाह ताला का कलाम था, वही नाजिल हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम क्या कि अल्लाह ताला ने कलाम नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम से? यार मैं की पूछ रहे हैं, उसका जवाब हाँ देते जाए, हाँ या ना? क्या तो इसका मतलब है मूसा के पास कलाम भी था और मौजजा भी था, मौजजा भी था कलाम भी था? दोनों चीजें थी ना, ठीक, बेहतरीन हो गया। तो मोहम्मद के पास कोई मौजजा नहीं था, ये तो साबित हो गया, सिर्फ कलाम ही मैं कलाम कह था। रहा हूँ कुरान अच्छा मौजजा था, वो मैं कह फिर रहा हूँ कुरान मौजजा था। यार अच्छा छोड़ दे, तू कैंदे रे एक कैंदल मिनट की होंदा। रुको, हाँ तो एडम तू भी भाई, और कैंदे एक मिनट उमेर खान भाई, थोड़ा रुक जाओ। एक अनाउंसमेंट ये है, एनी फाउल लैंग्वेज विल नॉट बी टॉलरेटेड, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन अब्यूज, नो वार्निंग इज रिक्वायर्ड फॉर कसिंग, थैंक यू, टू मेनी कस वर्ड्स आर बीइंग यूज, प्लीज गाइस डोंट डू दैट। धन्यवाद धन्यवाद जी अच्छा, एक मुन्ना भाई, सर। हाँ मुन्ना भाई आप बोलिए। मुस्लिम हैं? मुन्ना भाई नहीं नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ आपको मैं। चैनल की हेलो पॉलिसी पता है? मुन्ना भाई हेलो, जी, मुन्ना भाई आपको चैनल हाँ की सर पॉलिसी आवाज आ पता रही है? है? आपकी आवाज आ रही है मुन्ना भाई, आपको चैनल की पॉलिसी? पॉलिसी पता है? हाँ सर, पता है क्या है? सर नहीं बताएं सर। इधर सिर्फ मुस्लिम कॉलर्स को ही ज्वाइन होना है अपनी बात रखने के लिए, आपको पता है ये बात? नहीं पता थी? नहीं सर मुझे नहीं पता, अच्छा एक्चुअली आप मैं तो पता चल एडम गई भाई का सर। फैन हूँ ना नहीं, एक सर। मिनट, सर आप, बहुत शुक्रिया मैं फैन है, लेकिन नॉन सर इस वक्त मुस्लिम हम हूँ मुसलमानों से इस बात कर रहे हैं, तो आपसे बात करेंगे एंड सर में, स्ट्रीम के एंड में ना, हाफ एन आवर के सर लिए साहिल भाई खोलते हैं सर कि सर सब लोग हाँ ज्वाइन कर सर लें, सर अभी ठीक नहीं, बहुत है सर, मेहरबानी लीव सर, कर सर, मैं लीव बहुत कर, ओके बहुत सर मैं शुक्रिया लीव, सर। थैंक यू। अच्छा जी, सूरह जिन पढ़ते हैं, आयत नंबर 1 हमें रख रही है उसका मोटिव, मोटिव रख रही है कि होने क्या लगे आगे। ए नबी आप कह दीजिए मेरी तरफ की गई है वही कि जिन्नात की एक जमात ने बड़े गौर से सुना तो उन्होंने जाके जिन्नात की दूसरी जमात से कहा है। क्या कहा है? अब ये जिन्नात बोल रहे हैं, ये कुरान बता रहा है, ये जो ठीक राह रास्त की है, तरफ तुम बताइए। रहनुमाई करता है तो हम इस पर ईमान ले आए। ये कोई जिन्नी कह रहा, अल्लाह तो नहीं ना कह रहा। और अब हम कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। कौन कह रहा है? जिन कह रहा है।
अगली आयत फिर जिन कह रहे हैं, और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, इसने इसने अपने लिए ना कोई बीवी बनाई ना कोई औलाद बनाई, कौन कह रहा है? जिन कह रहा है, और यकीनन हमारा बेवकूफ अल्लाह के बारे में खिलाफ हकीकत बात कहता रहा है, कौन कह रहा है? जिन कह रहा है, ठीक है, और ये कि हम तो इसके गुमान में रहे जिन और इंसान अल्लाह पर हरगिज कोई झूठ नहीं बांधेंगे, ये कौन कह रहा है? जिन कह रहा है, अल्लाह तो नहीं कह रहा, और ये कि इंसानों में कुछ मर्द जिन्नात में से और कुछ मर्दों की पनाह करते हैं, तो उन्होंने इन जिन्नात की सरकशी में मजीद इजाफा कर दिया है, कौन कह रहा है? जिन कह रहा है, और ये कि उन्होंने ऐसा भी समझा है जैसा कि तुमने समझा हो, अल्लाह किसी को हरगिज नहीं उठाएगा, कौन कह रहा है? जिन कह रहा है, और ये कि हमने टटोला आसमान को तो हमने देखा कि सख्त पहरों और अंगारों से भरा हुआ है, कौन कह रहा है? ये जिन कह रहा है, साबित करो कि सारी आयतें जिनकी नहीं है, अगली 14 की 14 आयतें जिनकी है, जाओ आग ऊपर वाली याद खोलिए, कौन सी मर्जी खोल लो, ये लो सबसे ऊपर वाली जो आपने सबसे पढ़ी ऊपर थी। वाली, ये लो जी सबसे ऊपर वाली, ये लो पहली आयत पढ़ो। अच्छा जब तक पहली आयत पे जा रहे हो आप लोग, विवेक सिंह भाई आवाज यार आ रही है? भाई विवेक एक दफा साहब आपने कह दिया ना यार, अब निकाल दिया करें स्ट्रीम से, निकाल दे, यार बहुत दफा कह वो दिया होने के बाद ये ज्वाइन किए विवेक साहब। सर, किक आउट कर देना सर, अब मैं क्या करें सर, ये बिला वजह टाइम वेस्ट है ना, सबको एंड में ले ले, मैं जैसे करता हूँ ना सर, एंड में कहता हूँ लो जी अब 1 आवर सब नॉन मुस्लिम ज्वाइन कर सकते हैं, सो डू इट लाइक सबको दैट। मालूम है एंड में सबको दिया जाता है मौका। चलो कंटिन्यू करो, लो जी पढ़ो भाई उमर साहब जी पढ़ो। क्या कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, किससे कहा जा रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक, मेरे तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप, अल्लाह ताला कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप कह दीजिए, एक जमात ने क्या लिखा, बड़े गौर से सुना तो उन्होंने, मतलब ब्रैकेट में अब क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि जाके हम दूसरे, उन्होंने जाके दूसरे जिन्नात की जमात से कहा है, आगे चलें। हाँ उन्होंने उन्होंने जाके दूसरे जिन्नात के जमात से कहा है, मतलब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, ठीक, हाँ जी नहीं कहा कुरान कि बता रहे हमने सुना, हमने सुना है एक बहुत ही दिल को लुभाने वाली बात, लुभाने वाली, लुभाने वाला अच्छा रखना, कुरान, हाँ कुरान लुभाने कुरान वाला कुरान जी जी कि ठीक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप क्या कह रहे हैं कि मेरी तरफ वही की गई है जिन्नात की एक जमात के बड़े ग्रोह, बड़े ग्रोह ने दूसरे ग्रोह से बात की है, यार क्या टेंशन क्या है साइंस, मुझे पता ना टेंशन में आप आ रहे हैं इस वक्त। नहीं, तो इसमें जिन्नात मतलब कहां से कह रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, ये हम भाई जान ये रहे। वाली आयत मैंने नहीं कहा कि जिन की है, ये मैंने हाँ कहा है कि ये आयत नीचे वाली आयतों के लिए कॉन्टेक्स्ट है, कि अब नीचे वाली आयतों में अल्लाह क्या बयान कर रहा है कि एक जिन्नात की जमात ने दूसरे जिन्नात की जमात से क्या कहा है। पहले ये है, पहली आयत बता रही है कि नीचे वाली आयतें जो है वो एक जिन्नों की जमात दूसरी जिन्नों की जमात से बात कर रही है, अब आयत आ गई जिन्नों की बात जो कि एक जिन्नों की जमात ने दूसरी जिन्नों की जमात से बात की है, अब पढ़ें ये क्या जो कहा है, आयत, नहीं नहीं सुनिए सुनिए पहले, अब ये पढ़ें जो दूसरी आयतें आयत मैं कह रहा हूं, ये जो आयतें कहलवाई जा रही हैं किसकी जबान से कहलाई जा रही हैं? कहलवाई नहीं जा रही, अल्लाह ने कहा है एक जिन्नात की जमात ने दूसरी जिन्नात अल्लाह की जमात से ताला कहा, आप इसमें लिखा आप कह दीजिए, और कह किसकी दीजिए कौन जबान से है, कहलवाई जा रही, किसकी मोहम्मद जबान से? कहेगा ना इवेंचुअली, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे तो मोहम्मद जितनी भी, ने जितनी भी बातें कही हैं कुरान में मोहम्मद ने अपने मुंह से ही बोली है, किसी और के मुंह से नहीं बुलवाई, सुन लो बात, हाँ ठीक जो नीचे की आयतें हैं वो कौन है वो बताएं, कि जिन्नात की एक जमात ने दूसरी जमात से कहा और हमने सुना है तो ये अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह ताला उनके जो उनके दरमियान जो बातें हुई वो बयान कर रहा है। अगर अल्लाह बयान करता तो डिफरेंट होता, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है स्पीकर, किस तरह होना उमैर, चाहिए बताइए, उमैर यहाँ पे स्पीकर किस तरह कौन है, होना चाहिए बताइए, उमैर यहाँ पे स्पीकर कौन है,
किस तरह होना चाहिए ये उमैर किस तरह कह सकते हो किस तरह होना चाहिए, मुझे सिर्फ ये बताएं कि सेकंड आयत में आपने कहा दूसरी तरह होता तो मैं कह रहा हूँ किस तरह। उमैर उमैर लिसन टू माई क्वेश्चन, उमैर लिसन टू माई क्वेश्चन, उमैर मेरे सवाल को सुने प्लीज। क्वेश्चन का तो सवाल जवाब दे रहा हूँ, मेरी क्वेश्चन का तो आप सवाल को सुने ताकि आप जवाब दे सके। आप उल्टा सीधा गाना नहीं गाओगे। देखिए अच्छा उमैर भाई, जो सवाल क्या है उसका जवाब तो कम से कम दे दो ना कि ये अच्छा। जिन की बात है क्या नहीं है, ये जो दूसरी आयत में कह रहे हैं जिन कह रहे हैं, जिन कह रहे हैं उमैर होल्ड ऑन होल्ड ऑन सर, दूसरी आयत में क्या स्पीकर स्पीकर जो बोल रहा है वो अल्लाह है या वो स्पीकर जिन है, प्लीज ये बता दें। ये जो जिन के बीच में गुफ्तगू हुई है वो अल्लाह ताला बयान करवा रहा है। आप आई लव यू रिकॉर्डेड लाइन है साहिल भाई, रिकॉर्डेड है ना, ये टोटा काट लेना, ये टोटा काट लेना, ये एक जिनों की दूसरे जिनों के दरमियान जो बात हुई है वो अल्लाह बयान कर रहा है कुरान में, तो ये अल्फाज तो जिनों के है ना, अल्लाह के है ही नहीं, अल्लाह बयान कर रहा है जो जिन एग्जैक्टली दूसरे जिन को कह रहे हैं कुरान में। अगर अरे चिल्लाओ नहीं भैया, अगर अल्लाह ताला बयान ना करता तो तुमको कैसे पता चलता कि जिन गुफ्तगू कर रहे हैं। देखे मेरे भाई, अब मैं आपको एक मिनट बेसिकली उमेर भाई, एडम भी यही कह रहा है कि अल्लाह ने जिनों का कलाम कुरान में बयान किया है, जिन की बात है वो जो अल्लाह बता रहा है, तो उसमें गलत क्या है, तो ये पूरा अल्लाह का कलाम कैसे हुआ, ये तो जिन की बात अल्लाह ने बता दी ना उसमें। अल्लाह का मतलब अब जैसे मूसा अलैहि सलाम का किस्सा जो है कुरान में बयान किया गया है, चूंकि अल्लाह ताला ने जितने भी नबी आए हैं सबको अल्लाह ताला ने भेजा है, तो क्या मतलब कि जब मूसा अलैहि सलाम के कलाम को अल्लाह ताला कुरान में बयान कर दे तो वो मूसा अलैहि सलाम कलाम हो गए। वहाँ पे मूसा का किस्सा है और वहाँ पे है कालत रब्बी और नीचे है काली काला कि मूसा ने जवाब दिया, दैट्स अ स्टोरी व्हिच इज बयान बीइंग बयान हियर। इसमें क्या बता रहा है यार, छोटे साल है उमेर भाई, आप ऐतराज सुन लो पहले, उमेर भाई ऐतराज सुन लो, एडम थोड़ा सा आराम से, ऐतराज ही कर रहे हैं, मैं जब ऐतराज कर रहा हूँ तो जवाब ही नहीं दे रहा हूँ। अच्छा देखो मेरे भाई, यहाँ पे किसी जगह पे कुल और काल कहीं पे नहीं है, कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा, अल्लाह ने पहली आयत में एक्सप्लिसिटली बयान किया है कि एक अल्लाह से कलाम नहीं हो रहा, मूसा का कलाम हो रहा है अल्लाह के साथ, ठीक है, दैट्स अ टॉक बिटवीन मूसा एंड अल्लाह। हियर गेम क्या हो रही है, जिन्नों की एक जमात अल्लाह से कलाम नहीं कर रही, वो एक दूसरी जमात के साथ बात कर रही है। वन टाइप ऑफ जिन आर टॉकिंग टू अनदर टाइप ऑफ जिन, यानी कि दुनिया में एक कुरैशों का कबीला नॉन कुरैशों के कबीले से बात कर रहा है, या कुरैशों का कबीला जो है वो कबीला सारिया से बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा वो जो बातें हैं वो एक ह्यूमन की जुबान है, इसी तरह ये जो बातें हैं ये एक जिन का कलाम है, ठीक है। अब जिनों का कलाम एज इज अगर अल्लाह अपने कुरान में डाल रहा है तो कुरान 100% अल्लाह का कलाम नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने जिनों का कलाम एज इज डाला हुआ है। मुझे यहाँ पे ये बता दे किसी भी आयत में कि जिन का कलाम नहीं है, पहले तो ये साबित करें ना, मुझे ये साबित कर दें कि ये जिन का कलाम है। क्या तुम्हारी आयत कह रही है, क्या कह रही है बताइए, पहली आयत में क्या कह रहा है वो, ये देखो कुल कि आप कह दीजिए कि मेरी तरफ मेरे तरफ वही की गई है कि जिन्नात की जमात ने बड़े गौर से सुना। हाँ ये आप बता रहे हैं लोगों को। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, आगे बढ़िए, झूठ बोल रहे हो, ये मोहम्मद साहब को कहा जा रहा है कि वो बता दें, ये मोहम्मद साहब नहीं बता रहे, अल्लाह कह रहा है, सुनो ना, अल्लाह कह रहा है, साल आएगा तो जवाब मिलेगा ना यार, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद साहब को कि आप जाएं और अपने
लोगों को साथियों बता को। हाँ दीजिए, क्या बताइए वो सुने, आगे बढ़े, क्या आगे पढ़ो बताना मेरे है मोहम्मद साहब ने? भाई कि एक बड़ी जमात ने जिन्नात बड़े की एक गौर बड़ी से जमात ने, सुना, जिन्नात जिन्नात क्यों भूल गए पढ़ना? जिन्नात की एक बड़ी जमात ने गौर से सुना तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है एक बहुत ही दिल को लुभाने वाला कुरान, कलाम, कुरान। कलाम, कुरान, कलाम, व्हाटएवर। अच्छा, ठीक है जिन्नात की एक बड़ी जमात ने, ठीक है, सुना कलाम अल्लाह, ठीक है, हाँ क्योंकि मोहम्मद साहब एक रात के लिए गए थे और उस रात में उन्होंने जिन्नात को कलाम अल्लाह यानी कि कुरान की कुछ आयतें सुनाई थी। बताया ना आपको इसके पीछे स्टोरी, उसके बाद ये सूरह जिन नाजल हुई थी। मोहम्मद साहब रात को निकले और जिन्नात के पास गए और जिन्नात को उन्होंने कुरान सिखाया। उस वक्त कुरान की सूरह जिन नाजल नहीं हुई हुई थी, करेक्ट? उस वक्त तक सूरह जिन नाजल नहीं हुई हुई थी। मोहम्मद साहब ने जब जिन्नात की उस जमात को कुरान सिखाया तो जिन्नात की उस जमात ने जाके दूसरे जिन्नात को दूसरी क्या बताया, क्या बताया? जमात। वो नीचे है। तो जो नीचे हाँ है ये वो बातें हैं कि जो जिन्नात ने जब मोहम्मद साहब के साथ कलाम हो गया, मोहम्मद साहब ने सूरह जिन अभी नहीं आई हुई थी, कुछ और सूरतें उनको जाके सुनाई, तो उन्होंने जाके दूसरी जमात को क्या बोला, वो अगली 14 आयात में है। एग्जैक्टली। अब अच्छा उसमें जी उसमें अच्छा एक मिनट उमेर खान साहब, देखिए अगली आयत क्या है, अगली आयत क्या अगली है, आप आयत, पढ़िए। उसने हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की तो हमने हम ईमान ले आए और हाँ हम ये अल्लाह किसकी के, बात हमारे है, ये रब के किसकी साथ बात है, किसी को ये शरीक करने किसने वाले कहा नहीं ये थे। बात, एक मिनट उमेर भाई, ये बात किसने कही कि हम ईमान लेके आए, ये ये किसने कहा जिन्हों कह रहे होंगे यार, कह रहे जिन होंगे नहीं, जिन ने ही कहा है ना कि हम ईमान लाए, अल्लाह तो नहीं कहेगा मैं ईमान लेके आया। अब बात को समझो उमेर खान भाई, हाँ जी की कि सही मतलब बात है। हाँ बताइए आगे। हाँ तो वही तो जिन, पॉइंट एडम बोल रहा है कि जिन की बात है, ये अल्लाह की बात थोड़ी ना है। हाँ तो वही हम कह रहे हैं कि अगर मूसा अलैहि सलाम के मतलब किस्सों को, जो अल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला ने कलाम नहीं किया था मूसा अलैहि सलाम से बात जगह पे, लेकिन तब भी वो मूसा अलैहि सलाम जैसे कि हजरते कौन थे जो कश्ती में जा रहे थे, तो हजरत उस किस्से हिजर, को अल्लाह ताला हजरत नू 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 हिजर, नू हिजर नू अलैहिस्सलाम, हिजर 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 तो हिजर, अच्छा मूसा और उस खिजर, किस्से हाँ को ठीक है, अल्लाह मूसा ने और क्यों नहीं खिजर, सुना, उस किस्से को अल्लाह ताला ने बयान किया है? तो बिल्कुल क्या बयान मतलब किया, वो सुन लो, जो है हजरत खिजर का अल्लाह ताला ने कलाम चोरी किया? वो जो कलाम हुआ वो अल्लाह ने बयान किया, दैट सेपरेट। हम वहां पे भी चले हाँ, जाएंगे अभी, आपको पता लग जाएगा। सेपरेट क्यों है, यहाँ सेपरेट पे क्यों है? अबे सबत यार, नहीं तू एक बता, मिनट, अगर अबे सब तबे क्यों आ होता, रहे हो भैया? नहीं नहीं क्योंकि उस एक मिनट, कहानी से पहले, समझ उस कहानी से पहले, क्यों उस कहानी से पहले अल्लाह मियाँ ने उस चीज की एक्सप्लेनेशन फरमा दी हुई है, ठीक है? हाँ, तो और इसके अगर अगर वो अगर वो इसमें एक्सप्लेनेशन, सुन ले यार, बोलता कुल बोलता के इसमें भी तो बता दिया है। सुन ले, सुनेगा कि नहीं सुनेगा? मैं सुन भी रहा हूं और ओके बोल ओके, भी रहा हूं, मैं ही हाँ सुन पहले रहा हूं, आप सुनो, नहीं सुन रहे? पहले सुनो फिर बोलो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ, अगर आप बोल दोगे तो आपको समझ नहीं लगेगी, ठीक है? आप अब मैं इतना आपको आंसर देने बोलना लगा, नहीं पुल चाहते हो, मैंने और कहा टाइम ही तालाबे, नहीं निकला है। एक मिनट ओके चले, उमेर आप खान बोलते, भाई, मैं पुल चुप हो जाता उमेर खान भाई, आपको पुल और काला में फर्क मालूम है? हूं। कुल कुल किसी को हुक्म पुल, दिया जा रहा हो, हाँ, और काला मतलब, कोई कह रहा हो, हाँ, तो जब मूसा की बात अल्लाह बताता है तो काला मूसा कहता है ना, हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसी बात है जो कि प्रीवियसली हुई है, उस वक्त हाँ गुजर कुरान चुकी है। रिवील नहीं हो रहा, इट्स अ प्रीवियस स्टेटमेंट। राइट नाउ सूरह जिन तब आई है जब एक जिन ने दूसरे जिन से बात की है, ठीक है? सो ये अभी कुरान की रेवलेशन के दौरान हो रहा है, ठीक है? सो बेसिकली इन रियलिटी अगर देखा जाए तो कुरान का जो कातिबे कुरान है, जिसको ये लोग अल्लाह मियां कहते हैं, जो के कुरान क्या दुनिया बनने से पहले उसने कुरान लिख दिया था सपोजिटली, उसको नहीं पता था कि एक जिन की जमात ने दूसरे जिन की जमात से क्या कहना है, अंटिल के ये वाकया हुआ और हुआ। ये हुआ और जिन्होंने वो बोला और फिर वो लिखा गया। मेरे मुताबिक अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं तो इस वक्त नॉन मुस्लिम हूं, मैं तो एक्स मुस्लिम हूं, तो हुआ ये कि मोहम्मद साहब ने जब जिन्हों से बात की तो फिर जिन्हों ने जाके जब दूसरे जिन्हों से बात की तो मोहम्मद साहब ने वो सुन ली, और फिर मोहम्मद साहब ने जब वो सुन ली तो उन्होंने जाके अपने लोगों को ये कहा, देखो ये जिन्होंने ये बात की थी
اس کو بعد میں کاتب القرآن نے قرآن کا حصہ بنا دیا, میں تو اس وقت یہ کہوں گا. تو قرآن میں کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے جو قرآن کو یہ ثابت کر دے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, کوئی معجزہ نہیں ہے قرآن کے اندر ایسا. تو جب کہیں گے تو آپ اس پہ دلیل بھی دیں گے, سن میں لے رہا ہوں, سن لیا تو بتاؤ کہاں سن لیا. میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے ثابت کر دے کہ قرآن جبرائیل سے آیا. میں کیوں ثابت کروں, دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ آپ ہم کر رہے ہیں. تو میں نے الٹا دعویٰ کر دیا نا, آپ کا دعویٰ یہی ہے نا بھائی, میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بتایا کہ جبرائیل میں نے نہیں دیکھا, تو پھر میں ثابت کیا کروں. میں تو یہی ثابت کروں گا نا, میرے مطابق کسی نے جبرائیل نہیں دیکھا سوائے محمد کے. آپ نے اپنے دماغ کو دیکھا ہے؟ میں نے اپنے دماغ کو دیکھا ہے, مجھے سائنس اور مجھے ایکس رے ویژن اور مجھے سی ٹی اسکینز میرا دماغ دکھا دیتے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو اپنا دماغ؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھا ہے میں. یار اٹ ول بی دا موسٹ اسٹیوپڈ کوسچن دیٹ یو وڈ ایور آسک اے پرسن. It will be the most stupid question because right now CT scans, X-ray visions, ये सब कुछ बताते हैं कि हमारे पास दिमाग है. मुझे जिब्राइल की प्रेजेंस किसी भी स्कैन से सिखा दो, मैं मान लूंगा. प्लीज बताते हैं वो अलग बात. अच्छा, आपने उमेर खान भाई, आपके बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही है. यार मैं यहाँ रात को एकदम खामोश बैठा हूँ, कोई है नहीं मेरे. माइक में वो है डिस्टॉर्शन, माइक में प्रॉब्लम है आपके. हाँ तो फिलहाल मैंने वो भी नहीं लगा रखा है, एयरफोन भी पता नहीं क्यों है. देखिए जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक और चीज कि अल्लाह ताला जो है वो हर वक्त दुआ मांगते रहते हैं. यार खान साहब आपसे बात मैंने कर ली है, आप नॉन लॉजिक भी नहीं, बात लेकिन मैं आपको बताता हूँ. ये देखे साहिल साहब स्क्रीन दिखाई, ये देखे मूसा की अल्लाह ताला से बात हो रही है. उमेर भाई जब आप नहीं बोल रहे हैं तभी म्यूट कर लीजिए, उमेर म्यूट कर ले ताकि शोर बहुत आ रहा है डिस्टरबेंस है जी. ठीक है जी, मूसा जो है ना वो अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं. अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि बुखारी रिवायत कर रहा है, ठीक है, अल्लाह ताला ने बताया है कि इन अल्लाह मलाइकाती और जो मलाइका हैं वो भी सलात करते हैं. वकाला इब्ने अब्बास की तरफ से है, ठीक है. वो कहते हैं हम असल जगह पे जाते हैं, रावी अन अब्बास अन हातिम सुफियान वगैरह वगैरह वगैरह. ओके अच्छा जी, ثم قال ابن ابی حاتم حدثنا عمر وغیرہ 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 ان عمرو قال اچھا جی عربا ان اللہ و ملائکتا قال صلات تبارک اللہ و تعالی, ٹھیک ہے, اللہ تعالی سب القدوس, اللہ تعالی کیا دعا کر رہے ہیں, قال صلات, صلات means pray کرنا, pray کرتے ہیں کون, تبارک و تعالی means اللہ تعالی دعا کر رہے ہیں, pray کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی کہہ لیں, سلاد کو پرے کہہ لیں, سپلیکیشن کہہ لیں, نماز کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اللہ تعالیٰ سلاد کر رہے ہیں. اور کیا سلاد میں وہ کہتے ہیں, سبقت رحمتی غضبی, اللہ تعالیٰ کسی سے دعا کر رہے ہیں, کسی سے سلاد کر رہے ہیں, کسی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ اس میں کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں, سبقت رحمتی غضبی, کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے جائے, سے آگے چلی جائے. اللہ تعالیٰ کی دعا کیا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے سبقت لے جائے. تو اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ غضب کرنے والے ہیں, وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے لیکن ان کی دعا قبول کرنے والا کوئی خدا ان سے اوپر نہیں ہے, تو لہٰذا وہ غضب کرتے ہیں. انہوں نے غضب ہی کیا بدر کے ٹائم میں جب انہوں نے فرشتے بھیجے اور نون مسلموں کی گردنیں اتاریں. یہ اللہ تعالیٰ کی خود کی اپنی دعا ہے. اب اللہ کس سے دعا کر رہا ہے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ کو سرچ کرنا ہے. لیکن اللہ سے بڑا کوئی خدا ہے جس سے اللہ دعا کرتا ہے, اور اللہ دعا کرتا ہے سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو جائے. ساحل صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بالکل. اچھا اس کے علاوہ ایڈم جو ایکچولی ہوم ورک لے کے جانے والے تھے, تو ان کو جو ہوم ورک دیا تھا میں نے کہ محمد صاحب جو ہے وہ آیت بتایا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 29, اس پہ ان کو اسٹڈی کرنے دیجئے. کہ میں نے کہا تھا کہ محمد صاحب سامنے سے جا کے جنگ کرتے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں پہلے جزیہ کا آپشن دیتے تھے اس کے بعد پھر اسلام قبول کرنے کا آپشن تھا. میں نے کہا تھا اسلام قبول کرنے کی بات پہلے تھی بعد میں جزیہ تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے اور میں اس پہ تحقیق کروں گا.
तो बेहतरीन। उनको वो तहकीक करने दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे और भी मुस्लिम कॉलर जुड़े हैं, अगर पूरा वक्त हम इनको ही दे दे तो बाकी लोग के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। उमेर सर खान बिल्कुल है, और भाई एक और इनको दीजिएगा होमवर्क मेरी तरफ से, होमवर्क एक और दीजिएगा कि बदर क्यों हुई थी, उसके असबाब क्या थे जो पहले चार काफलों पे मोहम्मद साहब के साथियों ने हमला किया था मोहम्मद साहब के हुक्म पे, जिनमें से अच्छा तीन काफलों पे हमला नहीं हो सका था क्योंकि उन लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया था, लेकिन चौथे काफले पे हमला हुआ और उनके साथियों ने लूटमार की, लोगों को कत्ल किया और कुछ लोगों को गुलाम बना के मदीना में ले आए, और फिर बदर हुई थी। बदर रिटेलिएशन में हुई थी कि मोहम्मद साहब ने अटैक किए थे उनके काफलों पे, उनके साथियों ने अटैक किए थे उनके काफलों पे। तो बेसिकली बदर रिटेलिएशन में है, बदर बिल्कुल भी भाई, असल में सामने से ही हुआ है, इन्होंने नहीं बिल्कुल किया है, लेकिन वो रिटेलिएशन में आया, चार दफा किया तो पांचवी दफा उन्होंने कहा चल यार हम अब जाके इनके साथ लड़ाई करेंगे। तो बदर हमारी बात रिटेलिएशन में हुई है, हाँ जाके सर्च करके आइएगा, मैंने आपको थोड़ा जी, सा हमारी बात बैकग्राउंड भी दे दिया। सुन लो, एक बात सुन लो, फिर मैं भी जा रहा हूँ। ठीक, पहली बात बोलो आप जो बता रहे हैं बदर के बारे में, जरा मुझे सोर्स क्या है आपके, मतलब वो भी बता दीजिए ताकि मैं देख लूं सर, जाके मैंने वहां। होमवर्क दिया है, जाके पढ़ के नहीं आइएगा, नहीं सीरत होमवर्क उन्नबी, दिया है सीरत लेकिन अगर उन्नबी, आप मुझे, सीरत लेकिन आप उन्नबी, मुझे किताब दी, सीरत उन्नबी इब्ने कतीर, सीरत उन्नबी इब्ने इसहाक, सीरा ऑफ नबी बाय एनीवन, जो कि आप उठा लें, अल्तिबरी, ठीक है, लाइफ ऑफ प्रॉफिट बाय अल्तिबरी, किसी को भी उठा ले, सब में लिखा हुआ जाए। ठीक,